भाई के बेटे, फिल्म स्टार बेबी नंदा के छोटे भाई और मेरे हस्बैंड. आई एम जयश्री जी, नमस्कार. और एक मिनट, ये हमारी प्रोड्यूसर है अनीता जी. ओके. हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनीता जी की ये जो पिक्चर है, हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि आज आषाढ़ी एकादशी है तो सारे जो भगवान है ना वो कल तक सो रहे थे, बट आज जाग रहे हैं, तो आज इनकी फिल्म देखेंगे. और मैं उनको प्रार्थना करूँगा कि अनीता जी की ये फिल्म जो है ये सुपर डुपर हिट हो जाए. प्लीज माँ जी, इच्छा है, शुभकामनाएं. आणि दुसरं चांगली गोष्ट आहे म्हणजे आज विठ्ठल पांडुरंगाचं पण ते जसे भक्तासाठी विटेवर उभे होते तसं मला वाटतं की अनिताजींच्यासाठी विठ्ठलाने ह्या थिएटरमध्ये राहून उभं राहून आपला आशीर्वाद द्यावा आणि पिक्चर हे सुपर डुपर जोरात घेतो. हीच माझी एक प्रार्थना. ओके जयश्री जी, आप 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 क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगी कि मैं इस पिक्चर में काम कर रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि ये पिक्चर सुपर हिट हो, बहुत चले और आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको देखने के बाद पता चलेगा कि ये पिक्चर क्या है. बहुत अच्छी पिक्चर है और मेरा रोल जो है वो भी अच्छा है, लेकिन मैं जब आप देखेंगे तो ही बता सकूँगी. ओके. कितने एक्साइटेड हैं जयश्री जी इस फिल्म को देखने के लिए और अंदर जाने के लिए? और बहुत एक्साइटेड है क्योंकि ये पिक्चर हमने बहुत मेहनत से बनाई है, इन्होंने हमने भी काम बहुत मेहनत से किया है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि उसका रिजल्ट क्या है इसके लिए और लोगों को कैसा लगता है, उनका रिएक्शन क्या है, इसके लिए मैं देखना ज़रूर चाहूँगी. अनीता जी, क्या कहेंगे आप एज ए प्रोड्यूसर? आज फिल्म आपकी लगी हुई है थिएटर में और ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एज ए प्रोड्यूसर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर भी मैं ही हूँ और मेरा बेटा है साथ में मेरे, केतन इकड़ी है नया साइड, वो भी एज अ डायरेक्टर मुझे बहुत मदद किया है पोस्ट प्रोडक्शन में इसने. पहली बात तो ये है कि मेरे गुरु जो दिलीप कोलटकर, उनको मैं प्रणाम करती हूँ, मेरे माता पिता को प्रणाम करती हूँ और उन्हीं के वजह से आज मैं प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ. बस ये जो फिल्म है ये लव स्टोरी है, आई डोनेशन का इसमें मैसेज जा रहा है, आप देखिए फिर बात करेंगे. और एक बात कहना चाहूँगी मैं, हमारा जितना यूनिट है कैमरामैन स्पॉट बॉय से लेकर प्रोड्यूसर तक, सभी ने मेहनत की है और उनकी मेहनत रंग लाए, बस यही चाहती हूँ. ओके. केतन आ गया. Well, I am very excited to announce the release of the film. I am very excited to announce the release of this film as this happens to be my first directorial debut. So I am very excited. Let's hope for the best. Okay, subject की बात करें केतन, तो किस प्रकार का subject है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? Love story के माध्यम से हम लोगों ने organ donation को थोड़ा light में लाने की कोशिश की है. Because we really need to spread the awareness about eye donation. तो उस मुद्दे को लेके फिल्म बनाई गई है. और कैसा रिएक्शन मिल रहा है लोगों का यहाँ से? थिएटर तक लोग आए हुए हैं, भारी संख्या में लोग आए हुए हैं. सोशल मीडिया पे तो अभी तक अच्छा रिस्पांस है, अभी पिक्चर जब रिलीज होगी तो विल फाइंड आउट. ओके, थैंक यू. मेरा बेटा है केतन, ये बेसिकली डॉक्टर है. okay. और उसके दिमाग में ये सब्जेक्ट आया डॉक्टर की वजह से, फिर हमने उसको डेवलप करके ये फिल्म बनाई है. चौथे माले पे आज फिल्म लग रही है, लगी हुई है थिएटर में, लोग भारी संख्या नहीं, में आए हैं. खास करके आपका म्यूजिक सुनने के लिए, आपके गाने सुनने के लिए, देखने के लिए एक्साइटेड हैं और किस प्रकार का रिएक्शन मिल रहा है लोगों को? जी बस देखते हैं अभी, मतलब ऑडियंस के ऊपर जो ऊपर ओपनिंग है ना, उनको भेजो ऊपर देने की कोशिश की है. अरे सब लोग आ गए हैं. कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों को? आपके मैनेजर को पूछो, आप मैनेजर को पूछो. तो जितने लोगों ने सुना अच्छा रिस्पांस. कौन मैनेजर भाई? तो चौथे माले पे आ जाओ. फिल्म रिलीज हुई है, खुश नहीं हो क्या? चेहरे पे एकदम नर्वस बन है, खुशी नहीं है क्या? है मतलब मतलब ये खुशी के ये एक्सप्रेशन है क्या, इस तरीके का? थैंक यू, थैंक यू. एक अनीता राय, उनका नाम तो उनका तो बचपन. हमने क्या देना चाहेंगे? और सबसे सबसे पहले बात तो आप इतना घबराए क्यों हैं ये बताइए.
गर्मी की वजह से घबरा एसी कम काम कर रहा है। आज की जो सत्कार मूर्ति है अनिता नाइक जी, इनको मैं बचपन से जानता हूँ और वो बचपन से एक क्षेत्र के बारे में बहुत पॉजिटिव थी और उनकी एक उनका सपना था ये। उन्होंने दूरदर्शन में भी काम किया है और छोटी छोटी सीरियल में भी काम किया है उन्होंने। तो उनकी एक उनका एक सपना था कि एक फिल्म बने, तो उनके लड़के ने उनको बहुत बड़ी हेल्प करके ये फिल्म बनाई है और मैं भी चाहता हूँ ये फिल्म सभी प्रेक्षक देखे और उसको अच्छा रिस्पांस दे। और जयश्री जी भी इस फिल्म में हैं, उनका काम देखने के लिए आप एक्साइटेड हो, जाने वाले हो, अंदर देखोगे क्या करोगे? वही तो मैं फिल्म देखने के लिए आया हूँ और मेरी तो पूरी सभी शुभकामनाएं, जितना भी प्रोडक्शन हाउस है उसके लिए मेरी शुभकामनाएं है और ये फिल्म बहुत चले, ये मेरी खुद की कामना है। थैंक यू। दोस्ती मैम बताइए, अपना नाम बताइए। नमस्ते, मैं ज्योति निसर। मैं अनिता जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ क्योंकि पहली बार किसी को ब्रेक देना ये बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने पहली जो पिक्चर की थी शिवशक्ति, उसमें मुझे 4 गाने लिखने को बोले थे और इसमें भी मैंने गाना लिखा है और ये पहली बार ऐसे हुआ कि किसी ने मुझे ब्रेक दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब प्रोडक्शन वगैरह बहुत अच्छा था, सब हम घुल मिल के जैसे एक हमारे एक फैमिली हो गई थी और इतना अच्छा काम सब लोगों ने किया। और हम चाहते हैं कि अनिता जी की फिल्म बहुत बहुत चले और सब 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 लोगों की शुभकामनाएं तो हमारे साथ है और अनिता जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नटू ना थटू ना नौरी आली, ये जो गाना फेमस है आज वो इसी ने ही लिखा हुआ है। थैंक यू अनिता जी। यहाँ सभी अनिता चालीसा पढ़ रहे हैं तो वही सूत्रधार है, शी इज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर एवरीथिंग, शी इज अ होल सोल, दैट्स व्हाई एवरीवन इज अनिता चालीसा। आप क्या कहना चाहेंगे अनिता चालीसा पे? नहीं बस 30 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, बहुत सारा अनुभव है, स्टेज बहुत किया है, 700-800 शोज किए हैं, रेडियो किया है, सीरियल्स बहुत किए हैं, फिल्म की है, तो उसका ये अनुभव तो मैं ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन के ही कर सकती हूँ ना। Okay. और कुछ नहीं, उसी का ये यश है और कुछ नहीं, चलिए मेहनत है। मैंने भी इस फिल्म में एक रोल, छोटा सा रोल किया हुआ है। मैं संकेत पाठक जी का दोस्त और इनका फैमिली फ्रेंड बताया गया हूँ और मैंने पिक्चर में ब्रांच मैनेजर का रोल किया हुआ है और हम लोग सभी चाहते हैं कि ये पिक्चर सब लोग देखें जिसमें एक ये संदेश दिया गया है कि आई डोनेशन मरने के बाद हम लोग उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी को हेल्प हो जाएगी, एक दो अंधों को दृष्टि मिल जाएगी। बस यही शुभकामना के साथ हम लोग ये फिल्म सबके सामने ला रहे हैं, चाहता हूँ कि सब लोग इसे देखें और इसका इंजॉय लें। मैंने भी इस फिल्म में छोटा सा रोल किया बैंक में और मैडम का स्वभाव इतना अच्छा है, मैडम इतने अच्छे तरह से हमको सिखाया और बहुत मजा आ गया फिल्म में। ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी और हर थिएटर में चलेगी। मैं सबको दर्शकों को विनती करता हूँ कि आप अपने नज़दीकी थिएटर में जाइए और ये फिल्म देखिए और आपका जो भी अनुभव है हमें शेयर कर दिए। नमस्ते। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है, फिल्म का टाइटल है लकी एंड हैप्पी और लकी एंड हैप्पी जो है वो आई डोनेशन के ऊपर है और जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है हीरोइन को कि उसका हीरो जो है बेसिकली फ्लर्टी है। देखिए वो फ्लर्टी नहीं है, जब आप कुछ अच्छा काम करने जाते हैं जैसे कि कहते हैं ना होम करते वक्त हाथ जलता है, तो उसी तरह जब आप अच्छा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं बदनामी के दाग भी लग जाते हैं क्योंकि काजल की कोठरी में कितने भी सहाने जाएँ एक रेख काजल की लागे रे लागे। और अनिता आंटी ने हमारी आंटी हैं, इन्होंने बहुत ही मेहनत से की है फिल्म और इनके बेटे ने भी डायरेक्शन में और राइटिंग में साथ निभाया है और मुझे लगता है कि फिल्म लोगों को पसंद आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आई डोनेशन के ऊपर इस ढंग की पहली मराठी फिल्म होने के लिए इनको अप्रिशिएट किया है और वो अपनी तरफ से इनको 2 करोड़ रुपये उन्होंने अनाउंस भी किया है। अब देंगे कब वो बोल नहीं सकते क्योंकि सरकारी मामला है, आते आते आता है।
जब वक्त चला जाता है तब मिलता है कभी कभी अच्छा होता है। ओके रामा जी आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर और कितने एक्साइटेड हैं और देखने के लिए और क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरी एंटायर टीम को फिल्म को? दोस्तों मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि अनीता जी ने बड़ी मेहनत से बहुत अच्छी फिल्म लिखी है और बहुत अच्छी फिल्म डायरेक्ट की है। आज के दौर में जहाँ फिल्म बनाना उतनी बड़ी बात नहीं है, उससे भी ज़्यादा कठिन काम है पिक्चर को पर्दे तक लेके जाना। तो आज अनीता जी ने अपना जो मकसद था, जो एक मंजिल होती है राइटर डायरेक्टर की, स्क्रीन पर ऑडियंस तक पूरी पिक्चर लेके जाना, बड़ी मेहनत से बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। और जैसा कि फिल्म के टाइटल में भी लकी भी है और हैप्पी भी है, तो दोनों खुशी के साथ मैं चाहता हूँ कि दर्शक इस पिक्चर को देखें और अनीता जी को शुभकामनाएं दें कि वो इसी तरह अच्छी अच्छी फिल्में बनाती रहें। और मैं जहाँ तक बात बताता हूँ कि आज मराठी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, क्योंकि जब से वो शरार जैसी फिल्म बनी है और सुपर डुपर हिट हुई है, तो हर आदमी ये चाहता है कि मेरी पिक्चर भी सुपर डुपर हिट हो। लेकिन एक सफल फिल्म बनाने के लिए एक आदमी की तपस्या होती है, एक साधना होती है, जो साधना और जो तपस्या अनीता जी ने की है, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये फिल्म बहुत बड़े पैमाने पर चले, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, फिल्म इंडस्ट्री जिंदाबाद। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म के जो हाईलाइट है वो है जयश्री टी। जयश्री टी ने बहुत से कॉमेडी सीन्स किए हैं, डांस किया है और भी बहुत सीन्स किए हैं, लेकिन इस फिल्म में जो मदर का इमोशनल रोल जिस ढंग से निभाया है, लगा नहीं कि ये जयश्री टी है, ऐसा लगा कि एक माँ है जो इस रोल को निभा रही है। और इसके हीरो ने भी बहुत अच्छा काम किया है। हमारे हीरो आ गए हैं, संगीत पाठक। किस प्रकार का आपको रिस्पांस मिल रहा है इस फिल्म को लेकर, कितने एक्साइटेड हैं लोग, क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ आप कहना चाहोगे जी? वेल ग्रेट, एक्साइटमेंट तो है क्योंकि मैम ने बहुत मेहनत की है और बेसिकली डायरेक्शन इनका ही था, तो अभी मुझे वो सब याद आ रहा है, जितने भी दिन हमने गोवा में शूट करने के लिए बिताए या फिर मुंबई में भी जितना हमने शूट स्केड्यूल कम्प्लीट किया, वो सब अभी मुझे आते वक्त याद आ रहा था और एक्साइटमेंट वैसे ही बढ़ती जा रही थी। डेफिनेटली मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बार सबने देखना चाहिए, तो प्रोडक्ट क्या है आपको भी समझेगा और आपको भी तारीफ करने का मौका मिलेगा। और हमने जो मेहनत की, हम सब ने बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं और काफ़ी सारे लोग नहीं हैं, तो उन्होंने भी बहुत जान लगा के मेहनत की, तो उनकी मेहनत देखने ज़रूर सब लोग आइएगा, इतना ही कहना चाहूँगा। कुछ अपील करना चाहेंगे खास और क्यों मतलब दर्शक जो है इस फिल्म का पार्ट क्यों बने और क्या है इसमें खास? बेसिकली जब मैम ने मुझे अप्रोच किया था ये फिल्म करने के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला था कि इसके अंदर एक मैसेज है। मैंने बोला तो मैसेज तो हर एक फिल्म में होता है, बट डेफिनेटली शी हैड अ सोशल मैसेज विद इट। तो जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डेफिनेटली इट्स अ लव स्टोरी, बट आफ्टर दैट लव स्टोरी एंड अलॉन्ग विद दैट लव स्टोरी देर इज अ सोशल मैसेज, जो मेरे ख्याल से और मेरे हिसाब से मतलब सबको फॉलो करना चाहिए आज की डेट में, क्योंकि वो बहुत जरूरी चीज़ है। मैं स्टोरी ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, बट डेफिनेटली इट इज़ रिलेटेड टू ऑर्गन डोनेशन, सो आई थिंक एवरीवन शुड ऑप्ट फॉर इट। और सभी ने, ये एक नई चीज़ है ऑर्गन डोनेशन, शायद बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करते, जो करते हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड डोनर्स है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे फिल्म में समझाने की कोशिश की है, तो उसके लिए कम से कम आप वो फिल्म देख सकते हैं। संकेत, कुछ आशाएं अपेक्षाएं हैं इस फिल्म से, कुछ कहना चाहेंगे? सब उन पे छोड़ा है और इन पे छोड़ा है, बाकी सब आपके हाथ में, आशा अपेक्षा आपसे, आप ही बताएंगे क्या होगा। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।